नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। सुशील मोदी ने जेडीयू पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप, नीतीश के संयोजक पर ठुकराने पर कही ये बात। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन में जब कोई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को तैयार ही नहीं है, तब कहा जा रहा है कि उन्होंने पद लेने से इनकार कर दिया। सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन की चार बैठकों के बाद भी संयोजक पद पर कोई सहमति नहीं बनी। सीट साझेदारी का मामला भी जहाँ का तहाँ है। बंगाल, केरल और यूपी में तो दूर दूर तक सीट साझेदारी पर सहमति की संभावना नहीं है। सीएम नीतीश के संयोजक नहीं बनने से दुखी हुए मांझी, लालू से पूछ दिया ये सवाल। इंडी गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आने के बाद उनके इनकार करने को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के साथ साथ इंडिया में शामिल दल इसको लेकर हमलावर हो गए हैं। बिहार के पूर्व सीएम और हम के संयोजक जितेंद्र राम मांझी ने संयोजक नहीं बनने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दुख जताया है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से सवाल पूछा है। जितेंद्र राम मांझी ने कहा है कि किसी को राजा बनाने का सपना दिखाकर सेनापति बना दिया जाए तो वो क्यों सेना पति बनेगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन उन्हें संयोजक का पद ऑफर कर नीतीश कुमार के साथ ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे भले आदमी को सपना दिखाकर कैसा बना दिया। नर्सिंग छात्राओं ने IGIMS में किया प्रदर्शन, स्टाइपेंड देने की मांग। स्टाइपेंड दिए जाने की मांग को लेकर पटना के IGIMS में नर्सिंग छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग छात्राओं ने अस्पताल प्रबंधक और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्राओं का कहना था कि पढ़ाई के दौरान काम करने के बाद इन्हें स्टाइपेंड से वंचित रखा गया है। छात्राएं जब आज कॉलेज प्रशासन से मिलने गई थी, तब उनसे एक हफ्ते का समय लिया गया। कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद सभी छात्राएं काम पर लौट आई हैं। JNM छात्राओं का कहना था कि 3 साल की पढ़ाई और अवधि समाप्त होने है, स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 1500 रुपया दिया जाना था, जो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर आज छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद उनसे एक सप्ताह का समय मांगा गया। कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्राएं अपने अपने काम पर लौट आई हैं। बोधगया पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल दलाई लामा से मुलाकात के बाद की विशेष पूजा। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शनिवार को बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु दलाई लामा से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। दलाई लामा के मुलाकात के बाद राज्यपाल विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर प्रबंधन कमेटी के सदस्यों ने प्रसिद्ध खादा और पुष्प गुच्छा देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष को नमन किया। बिहार में सामूहिक नकल, मोबाइल बुक्स नोट्स के जरिए एग्जामिनर के सामने चीटिंग, छत पर नकल करते वीडियो हो रहा वायरल। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करती तस्वीर भागलपुर के नौगछिया से सामने आई है, जहां BA पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नकल की। ऐसा नहीं था कि एग्जामिनर वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी उपस्थिति में खुलेआम सामूहिक नकल हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मामला भागलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। दरअसल नौगछिया में कॉलेज के छत पर BA पार्ट 1 की परीक्षा के दौरान जमकर नकल हुआ। नौगछिया से बनारसी लाल वाणिज्य कॉलेज के छात्र छात्राओं का सेंटर यहाँ बनाया गया था। स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा 8 जनवरी से शुरू हुई थी, जो 16 जनवरी तक चलेगी। वायरल वीडियो इसी दौरान की है, जो अभी वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति में छात्र छात्राएं स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा में नकल करते दिखे। नौगछिया की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बच्चों को नकल करने से मना करने के बजाय शिक्षक छत पर धूप सेकने में लगे थे। बिहार में अंबेडकर हॉस्टल में रैगिंग, जूनियर छात्रों को धमकाकर कराया ये काम। वैसे तो आमतौर पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो या स्कूल, हर जगह रैगिंग को पूरी तरह से वर्जित मना किया गया है। इसके बाद भी इस नियम का किस तरीके से पालन किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला भागलपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां इस कड़ाके की ठंड में 5वीं के छात्र से रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कंपनी बाग स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय प्लस टू स्कूल में पांचवी के छात्र आश्चर्य कुमार के साथ रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया। प्लस टू स्कूल के छात्र सानू कुमार और हरे राम कुमार ने शुक्रवार की रात आश्चर्य को पहले पीटा, इसके बाद कपड़े खोलकर भीषण ठंड में पानी से नहलाया, फिर उसे छत पर खुली हवा में भेज दिया। इतना ही नहीं, पूरे मामले का विरोध करने पर उसके भाई हेमंत को भी पीटा। अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। खबर जमुई से आ रही है, जहां एक विवाहिता की मौत पर अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा मचाया है। गुस्साए लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंच पुलिस ने हालात को काबू में किया। घटना झाझा स्थित रेफरल अस्पताल की है। मृतक महिला की पहचान झाझा के लहरनिया टांड गाँव निवासी बिटकू कुमार की 24 वर्षीय पत्नी आरती कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों से लेकर रेफरल अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद परिजन हंगामा करने लगे। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल पहुंचा और महिला की जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर सुनकर परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पटना के बाद बिहार के इन जिलों में भी बंद हुए सभी स्कूल, डीएम ने जारी किया आदेश। बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर को लेकर पटना में 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। पटना के बाद अब बिहार के अन्य जिलों में भी स्कूलों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी कड़ाके की ठंड को लेकर आगामी 16 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर डीएम ने आगामी 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं वैशाली में भी डीएम यशपाल मीना ने 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वैशाली में 9वीं से ऊपर की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच संचालित होंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करने वालों पर बरसे सुशील मोदी, लोगों से की ये बड़ी अपील। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता से अपील की कि अयोध्या के राम जन्म भूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर 22 जनवरी की शाम सब लोग कम से कम 5 दीप जलाकर दीपावली मनाएं और राम विरोधी नकारात्मक के अंधेरे से आस्था का प्रकाश फैलाएं। सुशील मोदी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जो 10 दिन शेष हैं, उस अवधि में राम भक्तों को अपने आसपास के मंदिरों में उसी तरह स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए जैसे हम बिहार के लोग छठ पर्व के समय सफाई करते हैं। इससे वातावरण में शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। निलंबन मुक्त हुए बिहार के 16 पुलिस अधिकारी, इस मामले में हुए थे सस्पेंड। बड़ी खबर पुलिस महकमे से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय ने लंबे समय से सस्पेंड 16 पुलिस अधिकारियों को निलंबन मुक्त कर दिया है। करीब 2.5 साल से बालू खनन में लापरवाही से संबंधित मामले में सभी निलंबित किए गए थे। अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में निलंबित 16 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को पुलिस मुख्यालय ने निलंबन मुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ के खिलाफ जाँच के बाद आर्थिक अपराध इकाई ने केस भी दर्ज किया है। वहीं केस के विरुद्ध अभी भी जांच चल रही है, जबकि आर्थिक अपराध इकाई के जांच में कुछ के निर्देश पाए जाने की खबर है। राजस्थानी जलेबी वाले से सावधान, अपने प्रदेश में चोरी करने के बाद बिहार में बनाया डेरा, ऐसे सच आया सामने। बिहार के मुंगेर से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से राजस्थान से आकर बेसरा जमाए जलेबी वाले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस इलाके में राजस्थान से एक युवक सोने का लॉकेट लूटकर बड़े ही आसानी से मुंगेर के तारापुर में जलेबी बेच रहा था। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब इस मामले में तफ्तीश राजस्थान पुलिस बिहार के मुंगेर पहुंची। दरअसल राजस्थान पुलिस ने तारापुर पुलिस के सहयोग से राजस्थान से आकर जलेबी बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आसपास के लोगों से मामले को समझने की कोशिश की तो मालूम चला कि ये युवक राजस्थान से एक सोने की लॉकेट चुरा कर बिहार में रहकर बड़े ही आसानी से अपना काम धंधा कर रहा है। इसके बाद अब इसे अरेस्ट कर मेडिकल चेकअप और न्यायालय में उपस्थित के बाद राजस्थान पुलिस अपने साथ लेकर चली गई है।
हिट एंड रन कानून के खिलाफ फिर होगा चक्का जाम, पूरे देश में सड़क पर उतरेंगे ट्रक और बस ड्राइवर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक और बस चालक पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन इस कानून को वापस लेने की मांग लगातार कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार ने इस कानून को अब तक वापस लेने की घोषणा नहीं की है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने आगामी 17 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला लिया है। दरअसल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हिट एंड रन को लेकर नया कानून लाया था। इस नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में 3 दिनों तक ट्रक का परिचालन बंद कर दिया था और जगह जगह इस कानून के विरोध में सड़क जाम कर दिया था। हालात को बेकाबू होता देख केंद्र सरकार ने पहल की और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन को भरोसा दिलाया कि इस कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल को वापस ले लिया था। बालू माफिया की गुंडागर्दी, डीएम की गाड़ी को ओवरलोड ट्रक ने मारी टक्कर। बिहार में बालू माफिया का गुंडा राज देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्य के अंदर अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में अब लखीसराय जिले में बालू ओवरलोड ट्रक ने डीएम के वाहन को टक्कर मार दी। इस घटना में डीएम बाल बाल बचे हैं। डीएम की गाड़ी में जिस वाहन से ठोकर मारी है उसकी नंबर प्लेट गायब था। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सुबह शहर के बाईपास में एक तेज रफ्तार बिना नंबर के ट्रक ने डीएम अमरेंद्र कुमार की गाड़ी में टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। डीएम के वाहन में हल्की खरोच आई है। ये घटना उस वक्त हुई जब जिलाधिकारी पटना से लखीसराय जा रहे थे। 9 सेवाओं के लिए नहीं जाना पड़ेगा थाना का चक्कर, घर बैठे कर सकेंगे ये जरूरी काम। बिहार में अब लोगों को बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं लगाना होगा। इसको लेकर बिहार में एक नए मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मिशन जन सेवा दिया गया है। इसके तहत 9 तरह की सेवा के लिए थाना आना जरूरी नहीं होगा, ये सभी काम घर बैठे ही आसानी से किए जा सकेंगे। दरअसल पुलिस द्वारा मिशन जन सेवा के तहत चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट व लाइसेंस सत्यापन सहित 9 प्रकार की जन सेवाएं ऑनलाइन, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी ये सेवाएं मैनुअल मोड में दी जा रही हैं, लेकिन अब इसे दोनों मोड में दिया जाएगा। इनमें किराएदार सत्यापन, अपार्टमेंट व्यवसाय, सीसीटीवी इत्यादि के लिए सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने हेतु सहायता शामिल है। बिहार में शीतलहर से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत, आईएमडी ने बताया कितना गिरेगा तापमान। बिहार में ठंड कहर बरपा रहा है, प्रदेश भीषण शीतलहर की चपेट में है। मोतिहारी में एक बच्चे की मौत के बाद ठंड को देखते हुए अलग अलग जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। वहीं कोहरे की मार से ट्रेन और फ्लाइट सेवा बेपटरी हो गई है। ऐसे में अभी भी राज्य में न्यूनतम तापमान और नीचे गिरने की आसार है। अगले ही 2 दिन तक लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसे देखते हुए लोगों को ठंड से बचने और सावधान रहने की हिदायत दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक सीवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, बक्सर, आर भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में घने कोहरे के साथ मौसम शुष्क रहेगा। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और जहानाबाद में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।